Dear friends, today you are going to study about water and mineral salts, जल एवं खनिज लवण। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में आप सीखेंगे कि हमारे शरीर के अंदर वाटर कितना परसेंट होता है और मिनरल्स कितने परसेंट होते हैं। तो यहाँ पर ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है कि आपको इसके बारे में जानकारी दी जाएगी कि हमारा शरीर जो है वो लगभग 45.8% बॉडी जो है का वाटर की बनी होती है, यानी उसके अंदर वाटर होता है। इसी तरह से मिनरल्स जो हैं वो बॉडी वेट के हिसाब से 4.5% जो है मिनरल्स होते हैं। वाटर जो है वो हमारी बॉडी में बहुत ही यूजफुल है। इसमें जो हमारा प्रोटोप्लाज्म है, जीव द्रव्य है, वो इसको उसके अंदर मेजर पार्ट जो है वाटर का ही होता है। इसी तरह से वाटर को यूनिवर्सल सॉल्वेंट भी कहा जाता है। और मिनरल्स हैं, मिनरल्स में हमारा कैल्शियम है, ये हमारी हड्डियों को और दांतों को ग्रो करने में हेल्प करते हैं, फास्फोरस, कैल्शियम। इसी तरह से आयरन जो है वो हमारी आयरन का काम होता है हीमोग्लोबिन का सिंथेसिस करना। इसी तरह से आयोडीन का काम है थायरॉक्सिन का, उसको सिंथेसिस में काम करना। ये सारे मिनरल्स और वाटर जो हैं इससे मिलकर के हमारी बॉडी को बहुत ही यूजफुल है हमारी बॉडी के लिए। तो ये आज का टॉपिक आपका है वाटर एंड मिनरल साल्ट्स। वाटर 45.8% ऑफ बॉडी इन इज इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। इट इज द मेजर पार्ट ऑफ द प्रोटोप्लाज्म। इट इज आल्सो कॉल्ड द यूनिवर्सल सॉल्वेंट एंड प्लेस इम्पोर्टेंट रोल इन वेरियस मेटाबोलिक एक्टिविटीज ऑफ द बॉडी। इट हेल्प्स टू मेंटेन बॉडी टेम्परेचर। इट हेल्प्स टू मेंटेन बॉडी टेम्परेचर एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस विद इन द बॉडी। ह्यूमन हैज 4.5% मिनरल्स ऑफ बॉडी वेट। जैसा कि मैंने बताया कि बॉडी वेट हमारा जो वाटर कितना होता है बॉडी में, वाटर 45.8% भाई वाटर का फॉर्मेशन होता है। इसी तरह से मिनरल्स ट बॉडी वेट। बॉडी वेट के हिसाब से 4.5% मिनरल्स होते हैं और ये ट्रांसपोर्टर्स में हेल्प करता है। वाटर क्या है, हमारी बॉडी के अंदर जितने भी मिनरल्स वगैरह हैं उनको ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। ट्रांसपोर्टेशन परिवहन परिवहन का कार्य करता है। इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन द फॉर्म ऑफ मिनरल साल्ट्स आर आल्सो रिक्वायर्ड इन वेरियस मेटाबोलिक एक्टिविटीज ऑफ द बॉडी। दे आल्सो रिक्वायर्ड इन फॉर्मेशन ऑफ वेरियस बॉडी पार्ट्स। यानी जितने भी मिनरल्स हैं ये मिनरल्स जितने भी मिनरल्स हैं ये क्या करते हैं, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज में
हेल्प करते हैं, दे आल्सो रिकॉर्ड इंफॉर्मेशन ऑफ वेरियस बॉडी पार्ट्स, जैसे कैल्शियम, एंड फास्फोरस. कैल्शियम एंड फास्फोरस हेल्प इन ग्रोथ ऑफ टीथ, हेल्प इन ग्रोथ ऑफ टीथ एंड आवर बोन्स, हमारी हड्डियों को बनाने में इसकी बहुत ही भूमिका रहती है. फास्फोरस, कैल्शियम और फास्फोरस. आयरन इन सिंथेसिस ऑफ आयरन का काम करता है इन सिंथेसिस ऑफ हीमोग्लोबिन. आयरन हेल्प हेल्प इन सिंथेसिस ऑफ हीमोग्लोबिन. हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन होती है, इसको बनाने में आयरन हेल्प करता है. एक आयरन क्या है, एक मिनरल साल्ट है. और इसी तरह से आयोडीन आयोडीन हेल्प इन सिंथेसिस ऑफ थायरॉक्सिन. थायरॉक्सिन को फॉर्मेशन में आयोडीन हेल्प करता है. तो ये सारे क्या हैं, ये मिनरल साल्ट्स हैं. और वाटर के बारे में जैसा कि अभी बताया कि वाटर जो है वो 45.8% जो है वो वाटर होता है हमारी बॉडी में. और वो ट्रांसपोर्टेशन में जितने भी बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने में हेल्प करता है, हेल्प वाटर हेल्प्स इन मेंटेनिंग द बॉडी टेम्परेचर. बॉडी टेम्परेचर में को मेंटेन करने में हेल्प करता है. और यूनिवर्सल सॉल्वेंट का काम करता है. यूनिवर्सल सॉल्वेंट, ये वाटर यूनिवर्सल सॉल्वेंट का काम करता है. और इसके बाद इसके हेल्प मेंटेन बॉडी टेम्परेचर, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस विद इन द बॉडी. डिफरेंट सब्सटेंस जो ट्रांसपोर्ट करता है, ये काम किसका है, ये वाटर का ही काम है जो ट्रांसपोर्टेशन करता है डिफरेंट सब्सटेंसेस का. विद द हेल्प ऑफ वाटर डिफरेंट सब्सटेंस आर ट्रांसपोर्टेड. ये सॉल्वेंट का हो गया. इसी तरह से बॉडी के अंदर हमारी जो प्रोटोप्लाज्म होता है, जीव द्रव जिसे कहते हैं, वो उसका मेजर पार्ट ऑफ
इज वाटर। तो मेजर पार्ट प्रोटॉन का है वो वाटर ही होता है। डियर स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों, आपने आज के इस वीडियो में सीखा कि वाटर और वाटर मिनरल्स हमारी बॉडी के अंदर इनकी क्या इम्पोर्टेंस है। तो और इसी तरह से मिनरल्स की इम्पोर्टेंस क्या है, उनसे क्या क्या इसे बनता है और हमारी बॉडी में कितना परसेंट वाटर होता है, कितने परसेंट मिनरल्स होते हैं, आज की इस वीडियो में आपने सीखा। उम्मीद है ये टॉपिक आपके समझ में आ गया होगा। तो वीडियो को ध्यान से देखें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपके लिए हम अच्छे अच्छे और वीडियो लेकर आते रहें। थैंक यू, टेक केयर।